नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही विशेष होने वाला है। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता। जो लोग अपनी एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो बच्चा है या फिर वो बड़ा है, कोई भी अपना कंसंट्रेशन योगासन के माध्यम से बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो ये हमें बताएंगे हमारे योग गुरु श्री ओमकार देव जी। नमस्कार। किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए एकाग्रता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान या भूमिका होती है। कुछ विशेष योग अभ्यासों के माध्यम से हम चर्चा करेंगे और अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार से आप बच्चों की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं और इन अभ्यासों से बड़े भी लाभ ले सकते हैं। अधिकांश बच्चों की ऐसी समस्या होती है कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा और इसी बात को लेकर माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं कि किस प्रकार उनका बच्चा अन्य विचारों से छुटकारा पाकर पढ़ाई में ध्यान लगा सके। तो इन सभी समस्याओं को स्मरण में रखते हुए हमने कुछ विशेष योग अभ्यासों की रूपरेखा तैयार की है। तो अब इनका अभ्यास हम आरंभ करते हैं। करेंगे हम ताड़ आसन। इस अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे या फिर दोनों पैरों में 3 से 4 उंगलियों का फासला भी दिया जा सकता है। पीठ गर्दन सीधी रहे, कोहनियां सीधी, हाथों को जंघाओं के बगल में रखेंगे। सांस भरते हुए साइड से खींचते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। अब सांस को शरीर से बाहर छोड़ देंगे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे, गर्दन बिल्कुल सीधी, हाथों को ऊपर खींचेंगे और अब अपनी दोनों एड़ियों को जमीन से ऊपर उठा देंगे और शरीर को यहीं पर स्थिर करके रखेंगे। इस आसन का अभ्यास आरंभ में 20 से 30 सेकंड से आरंभ करेंगे और उसके बाद 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट या अपनी शारीरिक स्थिति और क्षमता के अनुसार शरीर को रोककर रखेंगे। शरीर का पूरा भार ऊपर की ओर ऊपर खींचते रहेंगे। शरीर को पूरा खिंचाव हथेलियों पे, कलाइयों पे, भुजाओं पे, कंधे, कमर, छाती, पीठ और नीचे पैरों तक पूरे खिंचाव को अनुभव करेंगे। एड़ियों को धीरे धीरे जमीन पे रखेंगे और साइड से खींचते हुए हाथों को वापस ले आएंगे। इसके बाद उष्ट्र आसन का अभ्यास करेंगे। उष्ट्र आसन के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। घुटनों के बल खड़े होने के बाद आगे और पीछे घुटनों और पंजों में कंधों के बराबर फासला दे देंगे। पीठ गर्दन को सीधा रखेंगे। अब सांस को भरते हुए अपने दाएं हाथ को पूरा घुमाते हुए पीछे लेकर जाकर दाएं पैर के एड़ी के ऊपर रख देंगे इस प्रकार से। और अब दोबारा से सांस भरेंगे, बाएं हाथ को पूरा घुमाते हुए बाईं एड़ी के ऊपर रख देंगे और गर्दन पीछे। जितनी देर रुके हैं सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे, पेट को आगे खींचते रहेंगे, गर्दन पीछे, कोहनियां सीधी, लगभग 30 सेकंड तक शरीर को रोकने के बाद अपने दाएं हाथ को वापस लाएंगे, बाएं हाथ को भी वापस ले जाएंगे। कुछ एक लंबे गहरे सांस भरेंगे। इस आसन को 2 बार और दोहराएंगे। लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक शरीर को स्थिर रखेंगे। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। जितनी देर आसन में शरीर को रोक कर रखेंगे उतनी देर तक सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। इस आसन के बाद अगला आसन करेंगे शशांक आसन। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ।
शशांक आसन के अभ्यास के लिए दोनों पंजों को बाहर की ओर ले जाएंगे। अपने स्थान पर इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाएंगे। आगे से दोनों घुटनों में फासला देंगे। दोनों हाथों को घुटनों के बीच में जमीन पर रखेंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे चले जाएंगे। हाथों को पूरा आगे ले जाएंगे, हाथ पूरे भार की ओर खींचेंगे। कोहनियां सीधी, माथे को या ठुड्डी को जमीन के ऊपर रखेंगे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। यहाँ पे लगभग 30 सेकेंड से 1 मिनट तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे। और अब इसके बाद अपने दोनों घुटनों को मिला देंगे। हाथों को थोड़ा सा नजदीक लेकर आएंगे, दोनों घुटनों को मिला लेंगे। हाथों को पूरा आगे की ओर खींचेंगे। सांस भरते हुए भुजंग आसन, शरीर को इस प्रकार से इस अवस्था में लाएंगे। और अब यहां से पूरी रीढ़ की हड्डी को मोड़ते हुए गर्दन ऊपर, ठुड्डी को पूरा ऊपर की ओर खींचेंगे। कोहनियां सीधी रहे, पैर के पंजे मिले हुए, उंगलियां बाहर की ओर, सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। पूरी रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई, पेट, छाती और गला खिंचा हुआ। लगभग 45 सेकेंड से 1 मिनट तक यहां पर शरीर को रोक के रखेंगे। उसके बाद सांस को बाहर छोड़ते हुए कोहनियां मोड़ेंगे और ठुड्डी को जमीन पर रख देंगे। यहाँ पर कुछ एक लंबे गहरे सांस भरेंगे और इस आसन का अभ्यास 2 से 3 बार तक करेंगे। जब तीसरी बार अंतिम बार इसका अभ्यास करें तो भुजंग आसन से पर्वत आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर के पंजों को सीधा कर लेंगे और शरीर को हाथ और पंजों के ऊपर ले आएंगे। घुटने बिल्कुल सीधे, गर्दन अंदर, कोहनियां सीधी, शरीर को रोक कर रखेंगे। पूरे खिंचाव को अनुभव करेंगे पिंडलियों के ऊपर, जंघाओं पे, पीठ पे, कमर पे, पूरे कंधे और भुजाएं खिंची हुई। लगभग 1 मिनट तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे। उसके बाद दोनों घुटनों को जमीन पे रखेंगे, पंजे बाहर की ओर और शरीर को वापस वज्रासन में ले आएंगे। कुछ एक लंबे गहरे सांस भरेंगे। वज्रासन में आने के बाद पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। अपने दाएं हाथ को सामने लेकर जाएंगे, उंगलियां अंदर और अंगूठा सीधा रखेंगे। बाएं हाथ को इस प्रकार जंघा के ऊपर रखेंगे। दाएं कोहनी बिल्कुल सीधी, आंखों को खोलकर रखेंगे और हाथ के अंगूठे के नाखून के ऊपर दृष्टि को केंद्रित करेंगे। पूर्ण रूप से वर्तमान काल के साथ जुड़ जाएंगे। अपने अंगूठे के नाखून को देखते रहेंगे। आंखें बिल्कुल खोल के रखेंगे। नेत्रों को पूरी तरह से खोलकर रखेंगे। जब आंखों से पानी आने लगे या फिर हाथ में दर्द होने लगे, उस अवस्था में आंखों को बंद कर लेंगे और हाथ को वापस ले आएंगे। इसका अभ्यास अब बाएं हाथ से भी करेंगे। दोनों हाथों से 2-2 बार तक इसका अभ्यास करेंगे। ज्यादा से ज्यादा देर तक शरीर को स्थिर करने का प्रयास करेंगे और आंखों को खोलकर ही रखेंगे। इतना शारीरिक अभ्यास करने के बाद अब अपने स्थान पर किसी एक आरामदायक स्थिति या आसन में बैठ जाएंगे। वज्रासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन,
किसी भी एक सहज आसन में बैठ जाएंगे। कुछ सांसों के अभ्यास करेंगे, विशेष रूप से तीन अभ्यास, जिसमें से सबसे पहला अभ्यास है भस्त्रिका। और ये तीनों ही अभ्यास एकाग्रता को बढ़ाने में और वर्तमान समय में रहने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला अभ्यास है भस्त्रिका। पीठ गर्दन को सीधा रखेंगे। इस अभ्यास में गति के साथ कम समय में, लगभग 2 से 3 सेकंड में या उससे कम समय में, सांस को अपने फेफड़ों के अंदर भरेंगे और गति के साथ सांस को फेफड़ों से बाहर छोड़ देंगे। जब सांस भरेंगे तब अपने फेफड़ों का विस्तार करेंगे, फेफड़ों को फुलाएंगे, और जब सांस बाहर छोड़ेंगे फेफड़े अपनी जगह पर। अभ्यास को एक लय के साथ और एक रिदम के साथ करेंगे। आंखें बंद करके ही अभ्यास को करते रहेंगे। पूरे अभ्यास के दौरान आंखों को बंद रखेंगे। आरंभ में इसका अभ्यास 3 चक्रों में करेंगे। पहले चक्र में 10 बार, दूसरे चक्र में 15 बार, तीसरे चक्र में 20 बार। अभ्यास 1 चक्र पूरा हो जाने के बाद बीच में लगभग 1 मिनट का अंतराल देंगे, जिसमें सांसों की गति सामान्य हो सके, हृदय की गति सामान्य हो सके। उसके बाद दूसरा चक्र और उसके बाद तीसरा चक्र आरंभ करेंगे। एक बार इस अभ्यास को पुनः देखेंगे। 15 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद कर लेंगे। आखिरी बार जब सांस को बाहर छोड़ देंगे, उस समय सारा ध्यान सांसों के ऊपर केंद्रित कर देंगे। इतना अभ्यास यदि नियमित रूप से प्रतिदिन किया जाए तो एकाग्रता को बहुत बढ़ाया जा सकता है। अपनी पढ़ाई में मन को एकाग्र किया जा सकता है। यह सभी अभ्यास बच्चों के साथ साथ बड़े लोगों के लिए भी लाभप्रद कार्य सिद्ध होते हैं। इनका अभ्यास करके आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मास्टर क्लैब आपके लिए लेकर आया है विशेष योग अभ्यास क्रम, जो नेत्रों के लिए, आंखों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि उपकरणों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण, या फिर विटामिन ए की कमी होने के कारण, या फिर अन्य किसी विशेष कारणों के चलते, बड़ों के साथ साथ बच्चों के आँखों की रोशनी भी तेज़ी से कम होते चले जा रही है। और वर्तमान समय में छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर चश्मा देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से इसका मूल कारण या बहुत बड़ा कारण अधिक मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप आदि उपकरणों के नज़दीक रहना है और शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे विशेष योग अभ्यासों का प्रदर्शन करेंगे, अभ्यास करेंगे, जिनको यदि आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं तो आँखों की रोशनी को बढ़ाया जा सकता है। और जिन बच्चों को छोटी उम्र में ही अभी से ही चश्मा लग गया है, वह भी अपना चश्मा उतार सकते हैं और नेत्रों को प्राकृतिक रूप से स्वास्थ्य प्रदान करवा सकते हैं। जो अभ्यास हम करेंगे, इन अभ्यासों से नेत्रों के आसपास की मांसपेशियां, नसें स्वस्थ बनेंगी, उनमें रक्त का संचालन भली प्रकार से हो पाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप नेत्र स्वस्थ बनेंगे। और इसके साथ पोषण युक्त भोजन का सेवन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ विशेष अभ्यास इस वीडियो के माध्यम से जो हम करेंगे,
उन अभ्यासों के लिए अपने स्थान पर किसी एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। पीठ गर्दन को सीधा रखेंगे। यदि किसी कारणवश नीचे न बैठ पाए इस प्रकार से, तो कुर्सी के ऊपर बैठकर भी इन अभ्यासों को किया जा सकता है, या फिर खड़े होकर भी इन अभ्यासों को कर सकते हैं। परंतु अभ्यास करने की आदर्श स्थिति है इस प्रकार से बैठकर आप अभ्यास करें। पीठ गर्दन को पहले सीधा कर लेंगे, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे और कुछ एक लंबे गहरे सांस भरेंगे। पूरी आंखों को खोलेंगे, गर्दन को सीधा रखते हुए आंखें खोलते हुए ऊपर की ओर देखेंगे, छत की ओर, और वहीं पर रोक कर रखेंगे। लगभग 10 से 15 सेकंड तक रोकने के बाद नीचे ऊपर नीचे इस अभ्यास को दोनों तरफ से 5-5 बार दोहराएंगे। अगला अभ्यास, आंखों को पूरी तरह से खोल के रखेंगे और अब नेत्रों को दाईं ओर लेकर जाएंगे, राइट साइड पे, गर्दन सीधी। 10 से 15 सेकंड तक रोकने के बाद बाईं ओर दाईं ओर बाईं ओर सामने आ जाएंगे वापस। इस अभ्यास को भी 5-5 बार तक दोहराएंगे। 2 से 3 लंबे सांस भरेंगे, आंखों को ढीला छोड़ेंगे, आंखों को खोलेंगे और अब अपने नेत्रों को गोलाकार घुमाएंगे, गर्दन सीधी रख के। पूरा ऊपर, दाईं ओर, नीचे बाईं ओर, पांच से लेकर 8 बार तक इस अभ्यास को करेंगे। और अब इसी अभ्यास को विपरीत दिशा से करेंगे। सामने आंखें बंद कर लेंगे, आंखों को ढीला छोड़ देंगे, कुछ लंबे गहरे सांस भरेंगे। धन्यवाद।